सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं लगातार दौरे कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो मैं शर्मिंदा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयाँ मिलेंगी। बुलडोजर और लाउडस्पीकर स्पीकर में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बुलडोजर तो केवल डराने के लिए चला रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये संविधान नियमों को और कानून को सरकार नहीं मानती है, और ये बात साबित हो गई बुलडोजर चला करके कि ये सरकार न कानून को मानेगी, न नियमों को मानेगी, न कोर्ट के किसी आदेश को मानेगी। इसलिए सरकार जानबूझ करके बुलडोजर चला रही है, और अगर बुलडोजर चलनी है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, अपने नेताओं के जो घर मकान बने उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? वो भी भैया अवैध में सब काफी थे लोग। सर, चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देखते हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन्हीं की वजह से जान गई है। सर, लाउडस्पीकर में क्या कहेंगे? लाउडस्पीकर क्या गिनना, ये तो कह रहे थे कि हम केवल मुसलमानों के लाउडस्पीकर हटाएंगे, इन्होंने तो अपने लाउडस्पीकर भी हटा दिए। ये तो मुख्यमंत्री और सरकार अपने आप को हिंदूवादी बोलती है, तो आखिरकार इन्होंने मंदिरों के भी लाउडस्पीकर हटा दिए, अब ये क्या कहना चाहते हैं? चुनाव भर तो कहते रहे कि हम मुसलमानों को बुलडोजर वो घर गिराएंगे या लाउडस्पीकर हटाएंगे, तो ये जाति और धर्म के हिसाब से भेदभाव करते हैं। ये लाउडस्पीकर हटाने वाली सरकार ये बताए कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार कब देगी।